इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 71 से 80 तक विस्तार से बताएंगे। जी हाँ छात्रों, यूपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 71 से मुझे बताना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक बताया था, आज 71 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज होगा, अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका अवकलन होगा dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले हर लिखेंगे ऐसे, इंटू अंश का अवकलन। इसका अवकलन होगा 5 × 10x, इसका अवकलन 6, इसका 0, माइनस अंश लिखेंगे, इंटू अब की बार हर का अवकलन, यानी 2 × 4x प्लस 3 प्लस 0। अब नीचे जो हर है इसका होल स्क्वायर कर देंगे और वैसे ही लिख देंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर 10x प्लस 6 का इसमें गुणा करना है, तो 10x का करिए 10 × 20x³, 10 × 30x² 10 × 40x प्लस, अब हम 6 का गुणा इन तीनों में कर दें, 6 × 12x² 6 × 3 = 18x 6 × 4 = 24। जीरो का गुणा तो करेंगे नहीं क्योंकि जीरो इसमें जुड़ गया है और समाप्त हो गया है। माइनस 4x का गुणा तीनों करें, 4 × 5 = 20x³ 4 × 6 = 24x² 4 × 7 = 28x। अब हम 3 का गुणा करते हैं तीनों में, 3 × 5 = 15x² प्लस 3 × 6 = 18x प्लस 3 × 7 = 21, होल अपॉन हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, अब देखना ये 20x³ से 20x³ कट जाएगा, ये सब माइनस में है, जितना भी इधर लिखा हुआ सब माइनस में है। 20x³ में से 20x³ कैंसिल, 30x² और ये 12x² हो जाएगा 42x², 42x² में से 24 और 15 कितना होता है, 24 × 15 होगा 39, 5 × 4 = 2, 3, हाँ देख सकते हैं आप, 30 और 12 = 42, और 42 में से 39 घटेगा तो 3x² स्क्वायर वाली काउंटिंग हो चुकी है। 40 और 18 होगा 58, 58 में से 28 और 18 घटेगा, लिख देते हैं 58x - 28x - 18x, और 24 में से 21 घट जाएगा तो आएगा कितना, 3 आएगा, बटे 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 58 में से 28 घट जाएगा आएगा कितना, सीधे सीधे आएगा 30 आएगा, और 30 में से फिर 18 घट जाएगा आएगा 12, यानी dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू 3x² प्लस 12x प्लस 3 बटे 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आगे एक दिन 3 कामन ले लें ऊपर, तो x² प्लस 4x प्लस 1 बटा 2x² प्लस 3x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर।
ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई एक्स पावर एन, तो डिवाइड बाई डी एक्स का मान याद करना है। ये भी इजी है, आंसर बट एयर वाला सूत्र लगेगा। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन क्या होगा, ए पे पावर एक्स लॉग ए बेस ई माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होगा यानी एक्स पावर एन माइनस वन बटे हर का होल स्क्वायर यानी एक्स पे घाती कितना 2n। अब यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए पे पावर एक्स, अभी देख सकते हैं आप ए पे घात एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है कॉमन होगा, और एक्स पे घात एन माइनस वन यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो जाएगा। देखिए एक्स पे घात एन माइनस वन यहाँ से कॉमन हो जाएगा और ए पे पावर एक्स भी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा एक एक्स बचेगा लॉग ए बेस ई माइनस ये कॉमन तो बचेगा एन होल अपॉन एक्स पे घाते 2n। अब हम एक्स पावर 2n को ऊपर लेंगे, हल करते हैं, इसको नीचे लाते हैं, एक्स पे घात 2n, ये जब n माइनस वन नीचे आएगा तो माइनस n प्लस वन होगा घट जाएगा n प्लस वन बचेगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स पे घात n इंटू एक्स पे घात 1। एक्स पे घात एन इंटू एक्स पावर वन, अरे 2n में से n घटेगा तो n आएगा, अरे प्लस वन घात है अलग अलग लिखा मैंने, इसके साथ इसको सेट कर देंगे, इसको ले आके अंदर कर देंगे, ये x इसके नीचे रहेगा तो x से x कट जाएगा बचेगा क्या log a बाय c, और ये एक्स जब इसके नीचे जाएगा तो जाएगा एन बाई एक्स, ये हुआ इसका आंसर। इसका आंसर इसी तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 का फर्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि 73 में दो क्वेश्चन है, दे रखा वाई बराबर रूट में ए प्लस रूट में एक्स अपॉन रूट में ए माइनस रूट में एक्स, यहाँ भी अंश बटे हर का अवकलन लगेगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हर अंश का अवकलन इसका 0 होगा, इसका होगा 1/2 कड़ी में एक्स माइनस अंश, फिर हर का अवकलन 0 होगा, इसका होगा -1/2 कड़ी में एक्स बटे हर का होल स्क्वायर। तो अगर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ देख सकते हैं 1/2 कड़ी में एक्स, 1/2 कड़ी में एक्स कॉमन हो जाएगा
बचेगा रूट का ए माइनस रूट का एक्स माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा रूट का ए प्लस रूट का एक्स बटा रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा ए और ये जुड़ेगा हो जाएगा टू रूट ए इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स बट ये हो गया रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। दो से दो कट जाएगा रूट ए अपन रूट का एक्स और ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। नंबर 73 में सेकेंड वाला पार्ट बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। y इक्वल टू ई पी पावर एक्स प्लस ई पी पावर माइनस एक्स बटा ई पी पावर एक्स माइनस ई पी पावर माइनस एक्स, अंश बटे हर का अवकलन यहाँ लगेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर जैसे है वैसे लिख लेंगे। इंटू अंश का अवकलन इसका यही होगा और इसका यही होगा मगर आगे माइनस आ जाएगा माइनस हर माइनस हर और अंश का अवकलन करेंगे की बार ई पी पावर एक्स माइनस ई पी पावर माइनस एक्स बटा इसका ई पी पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप यहाँ मैंने लिखा हर और अंश का अवकलन यही होगा, ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, यहाँ लिखा मैंने माइनस अंश अंश उतार दिया हर पी डी एक्स अंश माइनस अंश और डी डी एक्स आप हर जब करेंगे तो यहाँ माइनस है एक माइनस और आएगा तो हो जाएगा प्लस ई पी पावर माइनस एक्स। ठीक है, यानी देखने में क्या मिला ये भी सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। करते हैं डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर बटे में इसका होल स्क्वायर। बड़ी सुंदर लाइन मिली है, इस पूरे ब्रैकेट को मान लीजिए ए ए स्क्वायर माइनस इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार उसका प्रसार कर दीजिए। एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना यानी ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये वाला सूत्र यूज होगा। करते हैं ब्रैकेट में इतना प्लस इतना दूसरे ब्रैकेट में वही चीज माइनस लगा के लिखेंगे, जब माइनस इतना तो ये भी माइनस जाएगा बटा ई पी पावर एक्स माइनस ई पी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू। देख सकते हैं यहाँ पर से ये कैंसिल हो रहा, ये और ये जुड़ेगा, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा ये और ये जुड़ जाएगा माइनस टू ई पे पावर माइनस एक्स अपन हो जाएगा माइनस फोर
माइनस फोर इंटू ई पी पावर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स घात में जुड़ेगा बटा ई पी पावर एक्स माइनस ई पी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ई पी घात जीरो, ई पी घात जीरो का मान होगा एक। किसी भी संख्या या अक्षर पर घात जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू एक होता है, यानी फाइनल में मिलेगा माइनस चार बटा ई पी घात एक्स माइनस ई पी घात माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। सॉल्व करेंगे अंश बटा हर का आकलन करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हर लिखेंगे, अंश का आकलन इसका यही होगा, इसका होगा ये माइनस अंश लिखेंगे और हर का आकलन करेंगे, काट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका होगा सॉरी ये ब्रैकेट नहीं रहेगा कुछ नहीं है, इसका होगा एन एक्स पे पावर एन माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस एक्स पे घात एन का होल स्क्वायर, इसका यही आंसर होगा। बहुत करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर दीजिए, बाकी सेम वही चीज़ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, दिया है वाई बराबर साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटा एक्स साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स, हर लिखेंगे पहले अंश का आकलन करेंगे, साइन का होगा कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स का क्या होगा थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, प्रथम फलन द्वितीय फलन इसमें भी लग जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय का आकलन माइनस द्वितीय फलन प्रथम का आकलन एक, माइनस अंश लिखेंगे अब और हर का अवकलन लिखेंगे, हर का अवकलन एक्स साइन एक्स का अवकलन प्रथम फलन, इसका अवकलन कर रहे हैं द्वितीय का अवकलन द्वितीय द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये इसी में इंटू है, इंटू इतना होल अपान एक्स साइन एक्स प्लस का से एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय डी एक्स बराबर, अब देख लीजिए इसको ब्रैकेट जब ये वाला खुलेगा, अभी इसको तुम ऐसे लिखेंगे जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स साइन एक्स ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कॉस एक्स और कॉस एक्स जुड़ के दो कॉस एक्स और माइनस बड़े माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर इसको कुछ नहीं करेंगे ऐसे रहने देंगे,
और ये भी ऐसे ही रहेगा। बटे में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में गुणा करके कुछ कॉमन ले लीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। फिर भी अगर आप लोगों को आंसर समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा पूरा लास्ट तक। वैसे भी बस इसका इसका गुणा करना बाकी है और इसका इसका गुणा करना बाकी है, दोनों में कुछ कॉमन होगा, कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, 76 देखते हैं। छिहत्तर में भी दो क्वेश्चन है। 76 में पहला है वाई बराबर एक्स ई पे घात एक्स माइनस वन बटा एक्स, इसको ऐसे कर दें एक्स ई पे घात एक्स बटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और एक्स एक्स कर लें तो ई पे पावर एक्स माइनस एक्स पावर माइनस वन कर दें। अब डीवाई बाई डी एक्स कर दें, इसका अवकलन यही होगा और इसका अवकलन हो जाएगा प्लस एक्स पे घात माइनस दो, यानी हो जाएगा इस पे पावर एक्स प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर आंसर। इसका सेकंड वाला, 76 का सेकंड वाला देखिए, वो है वाई इक्वल टू एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो वंस बटे हर वाला फार्मूला यूज होगा। चलते हैं अगली तरफ, कागज बदलते हैं। वाई बराबर एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंश बटे हर वाला नियम लगा देते हैं। डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू और अंश का अवकलन माइनस अंश, हर के अवकलन में एक बटा दो कर्णी में वही चीज आएगा और एक्स स्क्वायर के बाद फिर से होगा माइनस टू एक्स होल अपन हर का होल स्क्वायर। कर्णी वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो केवल कर्णी हटेगी। आगे देखिए, ये दो से दो कट जाएगा, माइनस एक्स गुड़े माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ गुड़ा होगा तो ये होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। करड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, इस तरह बन जाएगा। अब प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर होल अपन रूट में इतना इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, बच गए एक बटा। अब देख लीजिए इस पर एक घात है और इस वन माइनस एक्स स्क्वायर पर आधा घात है, कर्णी का मतलब होता है आधा घात, एक घात और आधा घात हो जाएगा डेढ़ घात यानी तीन बटा दो घात, ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। दिया वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमें दोनों पक्षों का लाग लेना पड़ेगा। ले लेते हैं लाग वाई बराबर लाग एक बटा इसे आप लिख सकते हो लॉग वाई बराबर लॉग वन माइनस लॉग एक्स प्लस ए माइनस लॉग एक्स प्लस बी माइनस लॉग एक्स प्लस सी। चूँकि एक फार्मूला होता है लॉग एम बटा एन बराबर होता है लॉग एम
माइनस लॉग एन। इस आधार पर देखिए ये ऊपर वाला एम हो गया और ये नीचे वाला एन हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हुआ। और ये जितना इंटू इंटू करके रहेगा उतनी बार माइनस माइनस होते हुए अलग अलग हो जाएगा। पिछली कक्षा में आप लघुगणक का क्वेश्चन देख सकते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे बटे वाई डिवाइड बाई डी एक्स। लॉग वाई का होगा एक बटा वाई, फिर से वाई का होगा डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग एक का अवकलन जीरो, क्योंकि इसमें अचर पद है, चर है ही नहीं। वैसे भी लॉग एक का मान जीरो होता है, इसका होगा माइनस एक बटे एक्स प्लस ए, इसका होगा माइनस एक बटे एक्स प्लस बी, इसका होगा माइनस एक बटे एक्स प्लस सी। क्योंकि पता होगा आपको कि लॉग एक्स का फार्मूला एक बटा एक्स, तो लॉग इतने का होगा एक बटा इतना। इसी तरह से तीनों हो गया डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाई उधर जाएगा माइनस एक बटे डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू हम यहाँ से एक बटे इतना यहाँ रखने वाले इसकी जगह पर, वाई का वैल्यू एक बटे इतना हम यहाँ रखेंगे इस वाई की जगह पर यहाँ। माइनस तीनों में से कॉमन लेके माइनस यहाँ कर दें, बाकी एक बटे ये हुआ इसका आंसर। आप लोग वीडियो और बीच बीच में रोक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, वीडियो को बीच में रोक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स पे पावर 3/2 होल अपॉन रूट में एक्स, अंश बटा हर वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हर, और इसका अवकलन, इसका अवकलन जब करेंगे तो समझ लीजिए ये है पूरा एक्स पे घात एन 3/2 एक्स माइनस साइन एक्स, अगर डेढ़ में से एक घात घटेगा आएगा 1/2 घात इंटू, फिर से इसका होगा एक, इसका होगा कॉस एक्स, हर अंश का अवकलन माइनस अंश, अब हर का अवकलन यानी रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में एक्स अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। अगली लाइन में देखिए डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब क्या करना है, करना यह है कि 2√x का यहाँ गुणा करेंगे, नहीं हर तो बराबर है, केवल रूट एक्स का यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा 3x ब्रैकेट में x माइनस साइन एक्स पर 1/2 1 माइनस कॉस एक्स, ये जैसे है वैसे रहेगा और यहाँ इंटू 1 आ जाएगा होल अपॉन 2, और इसका स्क्वायर होगा रूट एक्स इंटू इसका स्क्वायर होगा एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे घात 3/2, यही लाइन इसका आंसर होगी, आंसर होगी।
अगर आपके बुक में जो आंसर दिया उसे ये मैच नहीं करता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद भी आपके बुक के आंसर से मैच नहीं होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट लिख के बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसका फिर से आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा, पूरा आंसर तक एकदम 100% समझा दूंगा। दिया वाई इक्वल टू रूट में एक्स अपॉन ए प्लस रूट में ए अपॉन एक्स, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन रूट ए साइड में इंटू रूट एक्स, और ऐसे कर सकते हैं प्लस रूट का ए और एक्स पावर माइनस हाफ। ठीक है, चलिए अपलन करते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये ऐसे रहेगा 1 अपॉन रूट में, इसका अपलन होगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट में ऐसे रहेगा, इसका अपलन होगा माइनस हाफ एक्स पावर माइनस 3/2, क्योंकि तो इसमें माइनस वन करेंगे तो 2 करने 2 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3/2 होगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू आ रहा है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स और ये हो जाएगा माइनस रूट ए अपॉन 2 और एक्स की घात है प्लस 3/2। इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखेंगे, आप चलिए कर लेते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/2 रूट में ए एक्स माइनस रूट ए अपान एक्स, को ऐसे लिखेंगे रूट एक्स इंटू एक्स, आप समझ सकते हैं एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम रूट एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स पे पावर 3/2 हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाले 1/2 एलसीएम क्या होगा रूट एक्स का एक्स रूट एक्स, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स एक्स का इसमें मल्टीप्लाई एक्स, इस दोनों से डिवाइड करेंगे एक्स और रूट एक्स से तो एक्स और रूट एक्स कैंसिल रूट ए बचेगा, तो रूट ए का ए में गुणा होगा तो आएगा ए, हम इसको छोड़ दिए, अब रूट एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1/2 रूट एक्स का एक्स माइनस ए अपान एक्स रूट ए एक्स, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा वाई इक्वल टू रूट में 1 - sin 2x अपॉन 1 + sin 2x, तो हमें सिद्ध करना है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 0। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देखिए इसको हम स्टार्टिंग में अवकलन नहीं करेंगे, केवल त्रिकोणमिति हल करेंगे पहले। चलिए करते हैं, 1 की जगह आप लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x फार्मूला 2 sin x कास एक्स, और नीचे भी वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कास एक्स। अब आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू ये सब मिला के हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स का फार्मूला, और यह साइन एक्स माइनस कास एक्स, यहाँ साइन और यहाँ कास रखेंगे तब भी यही चीज आएगा, और यहाँ कास यहाँ साइन रखेंगे तब भी यही चीज आएगा 1/2 एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आ गया सब करड़ी से बाहर आ गया, क्योंकि सब पे वर्गमूल संभव है, कास एक्स माइनस साइन एक्स 1/2 cos x + sin x, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 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 चारों में हम कास एक्स से भाग दे देंगे, अंश हर के प्रत्येक पद में कास से भाग देंगे जब, तो y बराबर होगा 1 - tan x / 1 + tan x। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, 1 को लिख देंगे tan 45 माइनस 10x / 1 + tan 45 इंटू
टेन एक्स देख सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, 10.45 का वैल्यू रखेंगे तो यही आएगा। अब अगर त्रिकोणमिति के नज़रिए से देखें तो टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी हो गया, यानी टेन 45 माइनस एक्स हो गया। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन, इससे मतलब मत रखिए, केवल टेन, टेन का अवकलन होता है स्क्वायर, वही जो लिखा है, इंटू एक बार टेन को छोड़ करके 45 माइनस एक्स का अवकलन होगा जब, तो इसका तो जीरो हो गया, इसका हो जाएगा माइनस एक, यानी आ गया डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये वाली माइनस हम आगे ले लिए, माइनस एक स्क्वायर, इसको लिख देंगे पाई बाई फोर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स दोनों से डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, और ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो जाएगा प्लस रूट ए बचेगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स, इस तरह से सिद्ध हो गया। और हाँ, किसी भी स्टूडेंट को अगर अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दें, मैं उनसे डायरेक्ट संपर्क कर लूँगा।